इस टॉपिक के अंदर हम चेक करेंगे कि ऑटोकैड जिस तरह के हम प्रीवियसली लिंक टॉपिक्स के साथ मूव कर रहे हैं, हमने कुछ प्रीरिक्विजिट्स भी देखे। इस लेक्चर के अंदर हमने जो मेन मेन्यू देखा था, जो हमने स्टार्ट में सेटिंग्स की थी, क्लासिक ऑलरेडी ड्राफ्टिंग के अंदर वो मेन्यू डिफरेंट था, उसकी जो कमांड्स नज़र आ रही थी वो भी डिफरेंट थी, लेकिन हमने जब सेटिंग्स को चेंज किया और क्लासिक बनाया तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेन्यू के अंदर फाइल, एडिट, व्यू, मॉडिफाई, ड्रा, इसको हम बहुत क्विक वे में नोट करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या हो सकता है और हम कैड के इनके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो मेन हमारा टॉपिक था कि आप वेल फेमिलियर हो जाएं, और ये एक्चुअली हम इन सारे टॉपिक्स के अंदर जो है वो फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट जब ड्रॉ कमांड्स पे आएंगे तो वहाँ से हम मेन कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना, लेकिन फिलहाल हम फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज़ ड्रा करने से पहले हमारे बेसिक जो सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो वो हमारे लिए आगे ऑनवर्ड काम करना आसान होगा। तो आइए बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ और नोट करते हैं कि हम मेन मेन्यू के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, अगेन हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, अगेन हम वापस ऑटोकैड पे क्लिक किया हमने और यहाँ से हम फाइल ओपन करेंगे सेम मैनर में जिस तरह हमने प्रीवियसली किया। ये हम स्टार्ट ड्राइंग, ये हमारे पास ड्राइंग जो है वो स्टार्ट हुई है। तो मेन मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट हमें कमांड नज़र आ रही है, दैट इज़ फाइल। तो फाइल पे हम क्लिक करते हैं, हम देखें कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले फाइल में हमारे पास न्यू का ऑप्शन है, उसके दो मेथड्स हैं हमारे पास, वो हम दोनों देख लेते हैं। अगर हम फाइल से, हमने सपोज आप काम कर रहे हैं कोई और आपने कोई ऐसा स्टेप परफॉर्म करना है जो आप अपनी मेन ड्राइंग में नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ मैं किसी और ड्राइंग में ड्रा करके नोट कर लूँ, या आप जब एरिया कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे अगर आप किसी और ड्राइंग में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी करके लेके जाना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे ऑन दिस न्यू। जैसे ही आप न्यू ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं। एक तो आपको यहाँ पे आप उसको कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, आपके पास सेव करने के ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो हम एक ऐड प्रेफरेबली, ये आपको ऑटोडेस्क में भी जब आपको भी नोट करेंगे तो एक ऐड ऑलरेडी कोई ड्राइंग उसकी बनी हुई है, हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई ड्राइंग ओपन हो गई है। दिस वॉज वन मैथड। हमारे पास एक और मैथड भी है, दैट इज़ कंट्रोल एन, बल्कि ये सारे सॉफ्टवेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी और सॉफ्टवेयर में भी जब वर्क कर रहे होते हैं तो अगर आप कंट्रोल और एन, आपने इसको साइमल्टेनियसली प्रेस करना है इकट्ठा, कंट्रोल के बटन पे भी आपका हाथ होगा और जब आप एन पे प्रेस करेंगे लाइक ये अगर आप नोट करें ये आपके पास कंट्रोल एन, तो सेम मैनर में आप इससे भी एक नई ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। वापस हम आते हैं फाइल के अंदर, हमारे पास न्यू शीट हम सेट भी करें, देन इट्स ओपन। तो ये अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी है, आप जब वर्क कर रहे होते हैं ड्राइंग के अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो ऑलरेडी अगर कोई भी फाइल आपके पास मौजूद है अगर आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, सपोज ये अगर देखें तो ये मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर ड्राइंग वन भी मौजूद है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट भी ड्रा है, तो एक ड्राइंग ये और ये आइकन होता है, दिस इज आइकन ऑफ ऑटोकैड फाइल। जिस तरह आपने कभी अगर वर्ड की फाइल देखी होगी तो उसके अंदर छोटा सा आपको आइकन नजर आता है और आपको लगता है कि ये वो कोई सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको राइट कर सकते हैं एक्सेल में कुछ आपका जो आइकन होता है, तो ये आपका ड्राइंग का आइकन है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये आप किसी प्रीवियस फाइल को जो आपने अपने पास रखी हुई है, सेव की हुई है, आपके सिस्टम में पड़ी, आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जा रहे हैं और दैट इज एक्चुअली ये सेव। सेव और सेव एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में। अब आपने इस लेक्चर से जब ऑनवर्ड आप जब वर्क कर रहे होंगे, सबसे जो आपका पहला काम ये फाइल की सेटिंग्स करने के बाद आपने ड्राइंग को सेव करना। अगर आप सेव नहीं करेंगे और आपकी ड्राइंग जो है वो सिस्टम बंद हो गया, ऑटो सेव के लिए भी आपका एक दफ़ा सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग का। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और अगर आप ये हम सेव के बटन, तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो ड्राइंग वन। तो जब भी आप ऑटो कैड के अंदर वर्क करते हैं तो ये ऑटो कैड जो खुद फाइल्स को नाम देता है वो ड्राइंग वन टू थ्री फोर। सेम मैनर में अगर आप कभी एक्सेल में काम करेंगे तो वहाँ बुक वन टू थ्री फोर इस तरह। तो हम क्योंकि ऑलरेडी ड्राइंग सेव हमने ओपन की हुई है, इसका नाम ड्राइंग वन है, अब हम इसको सेव एज कर लेते हैं और हम इसको अपने ही वर्क स्पेस में। तो अब ऑनवर्ड आपने फिलहाल जो है आप अगर इसको प्रेफरेबली अपनी ड्राइव के अंदर सेव करें, आपकी लोकल डिस्क जो मौजूद हैं आप सिस्टम के अंदर वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको अब किसी और जगह भी प्लेस कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली सी या डी ड्राइव जो आपकी मौजूद है उसके अंदर इसको जाके सेव करें।
तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और इस फोल्डर का नाम जो है वो कोई भी रख लेते हैं, ऑटो कैड फोल्डर को नाम देते हैं और इसको हम एंटर करते हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल का नाम सेव कर लेते हैं, और दैट इज मेन मेन्यू के अंदर हम इसको नाम हमने मेन मेन्यू रखा। और ये आप अगर नोट करें, कर्सर जहाँ मेरा मूव कर रहा है, तो ये वो सेटिंग्स हैं जो हमने थोड़ी देर पहले कर ली थी, और अब ये आपको बता रहा है कि ये आपका जो फाइल है ये 2000 और 2000 ऑनवर्ड किसी वर्जन के अंदर इसको ओपन करते हैं। सेव, जैसे ही आप सेव करेंगे और आप टॉप पे देखें, आपको इसका पाथ भी मौजूद है और इस फाइल का नाम भी आपके पास है। तो ये आपका पहला और बुनियादी स्टेप जो आपने सेटिंग्स जो हमने पहले की हैं, उसके बाद फाइल को आप सेव कर लें, क्योंकि अब हम इसके अंदर कुछ काम करने भी जा रहे हैं। फाइल सेव करने के बाद अगर फाइल में के अंदर आप फर्दर क्लिक करें, तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी मौजूद है और इंपोर्ट की ऑप्शन भी मौजूद हमारे पास होगी। एक्सपोर्ट मीन्स आप कैड की फाइल को किसी और वर्जन के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज इसी हमारे लेक्चर सीरीज, इस टॉपिक सीरीज के अंदर हम जब 3D Max के ऊपर वर्क करेंगे जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो हम ऑटो कैड की फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे टू 3D। तो अगर आप इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो एक नई टैब हमारे सामने ओपन है, और ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो एक्सपोर्ट की वर्जन मौजूद है कि इन इन एक्सटेंशंस के अंदर हम इस ऑटो कैड की फाइल को जाके खुद ओपन कर सकते हैं। तो ये और इसी तरह कैड के अंदर ये हमारे पास एक्सपोर्ट है, फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम ऑनवर्ड इसी लेक्चर के अंदर इसको परफॉर्म करेंगे। फाइल के अंदर अगेन फर्दर हमारे पास जो ऑप्शन है, प्लॉट प्रीव्यू है या पब्लिश है, ड्राइंग सेटिंग्स हैं, और इसके साथ लास्ट में ये हमारे पास रीसेंट ड्राइंग्स यहाँ पे भी आपको नजर आएंगी। अगर आप बॉटम में जाएंगे तो यहाँ से आपको ड्राइंग नजर आती है, जिस तरह हमारे पास अभी ड्राइंग 1 है और मेन मेन्यू है जो अभी हमने एक नई फाइल सेव की है। ये हमारा एक फाइल का मेन्यू है जिसके अंदर मेनली सेव, सेव एज, न्यू शीट और एक्सपोर्ट की हमने क्विकली ऑप्शन देखे हैं। इसके साथ हमारे पास एडिट के ऑप्शन मौजूद हैं, और ये कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारे पास कट एंड कॉपी। तो कट की ऑप्शन जो है ये सपोज हमने जो है वो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जो है वो आप इसके ऊपर कर्सर करके सिलेक्ट अगर कर लें, या हम आप व्यू एडिट के अंदर जाके आपने कट की ऑप्शन की, जैसे आप कट के ऑप्शन कर रहे हैं तो व्हाट इज आस्किंग, इज आस्किंग यू टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो दूसरी हमारे पास शॉर्ट की है Ctrl X, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को जो है, या ये सामने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको आपने इसके ऊपर कहीं भी कर्सर पे क्लिक किया, और ये हमारे पास सिलेक्शन, एक्चुअली जब भी आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कैड के अंदर सिलेक्शन का जो सिंबल है वो ही अगर आप नोट करें तो आपके पास ये लाइन भी कुछ ब्लू हो चुकी है और इसके 3 पॉइंट्स हाईलाइटेड भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल और एक्स अगेन साइमल्टेनियसली प्रेस करें, आप नोट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट वहाँ से गायब हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास कॉपी की ऑप्शन है, ये सेम आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको यहाँ से हम एडिट में जाके, अच्छा आप दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप कॉपी की कमांड सेलेक्ट करके फिर आके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद कॉपी। तो हम यहाँ से कॉपी की कमांड क्लिक करते हैं, और अगेन सेम हमें कह रहा है कि आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं। हमने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, अब हम इसको कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट के लिए भी अगेन हम एडिट में जाके, और हमारे पास पेस्ट की ऑप्शन है। तो जैसे ही आपने पेस्ट की ऑप्शन क्लिक की, अब वो आपसे स्क्रीन पे किसी भी जगह पे आप जाके क्लिक करेंगे, तो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। और इसका भी हमारे पास शॉर्ट की है, जिस तरह हमने Ctrl X शॉर्ट की देखी है किसी भी चीज़ को कट करने की, तो कॉपी के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करके Ctrl C करें, Ctrl C करने के बाद ये कॉपी हो गया, और Ctrl V ये भी पैरेलल आपने साइमल्टेनियसली प्रेस करने हैं, Ctrl C एंड Ctrl V। तो अब अगर आप Ctrl V प्रेस करेंगे कट साइमल्टेनियसली, तो ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट को पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी आप यहीं से कॉपी पेस्ट एडिट के अंदर से कर सकते हैं, एंड देन ये पेस्ट द ब्लॉक और पेस्ट स्पेशल हम इनको आगे जाके आगे वाले लेक्चर के अंदर जब 1 बाय 1 मूव करेंगे, तो हमारे पास कोई ड्राइंग बन चुकी होगी तो फिर हम इन कमांड्स को ऑपरेट कर लेंगे। तो मेनली इस एडिट व्यू के अंदर कॉपी एंड पेस्ट का है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने नोट किया है कि मेन मेन्यू के अंदर जब हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो फाइल में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, और एडिट के अंदर जाकर हमने कट कॉपी उसका मैनुअल मेथड भी देखा कि यहाँ से कैसे कर सकते हैं, और हमने उसका शॉर्ट कीज जो हमने यूज़ किया उसकी मदद से भी हम इसको कट या कॉपी कर सकते हैं।
Thank you.